पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ये हमारा जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, A11, A12, A13, A1n, यानी इसमें n कॉलम है और m रोज है। A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, फिर A M1, A M2, A M3, AMN। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे देख रहे थ्री और वन है, सब में हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, दो दो नंबर है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा रो को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड नंबर रहता है जो यहाँ पे जैसे वन है तो ये कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे हम कोई भी एलिमेंट हम ले ले रहे हैं यहाँ पे A21, A21 जब हम एलिमेंट लिए तो हम देख रहे हैं A21 एलिमेंट में जो हमारा फर्स्ट नंबर टू है ये रो को इंडिकेट कर रहा है, तो हम देख रहे ये जो एलिमेंट है सेकंड रो में है तो इसीलिए यहाँ पे टू है। और जो यहाँ पे सेकंड नंबर होता है ये कॉलम को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में है तो इसीलिए यहाँ पे A21 एलिमेंट है। तो जनरली जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे हम जनरली ऐसे भी डिनोट करते हैं, AIJ, फिर M×N। M×N क्या होता है? ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। क्यों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? हम सपोज किए कि इसमें एन कॉलम है और एम रोज है तो इसका जो ऑर्डर होगा M/N होगा, और आई जो है ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। हम जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली AIJ, यहाँ पे ऑर्डर को नहीं शो करेंगे, ओनली AIJ, ये भी हमारे जनरल ऑफ मैट्रिक्स को। अब हमें जो भी एलिमेंट निकालना रहेगा यहाँ पे आप उस नंबर को लिख लेंगे, जैसे कि अगर हमें A12 निकालना है, आई की जगह 1 लिख लेंगे, जे की जगह 2 लिख लेंगे, तो हमें A12 एलिमेंट निकालना है। तो A12 एलिमेंट हमारा कौन सा होगा? A12 हम देख रहे हैं 1 आ गया पहले तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा, और 2 आ गया सेकंड नंबर, ये 2 आ गया तो ये सेकंड कॉलम का हो जाएगा A12। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हम कोई भी मैट्रिक्स लिए हैं, A=3, 4, 0, -1, 0, 2, 2, 6, 9, ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं A11 कौन सा एलिमेंट होगा? पहला होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो अब फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो उसकी जगह 3 मिल रहा है, तो A11 एलिमेंट जो होगा हमारा 3 होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड A12 एलिमेंट, A12 एलिमेंट हमारा ये होगा। क्यों? A1 आ गया ना, तो हमेशा जब फर्स्ट 1 आ जाता है तो हम उसको लेते हैं क्या? रो लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है। तो A12 जो हमारा 4 आएगा, क्यों? फर्स्ट रो और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 आ गया। इसी तरह A13 जो होगा, फर्स्ट रो और 3 कॉलम 0 हो जाएगा, तो A13 एलिमेंट हमारा 0 आया। हम इसी तरह अगर हम बात करें A32 की, तो A32 जब हम देख रहे हैं तो A32 में हम देख रहे हैं कि रो क्या है? 3 है ना, यानी हम थर्ड रो में फाइंड करेंगे, और कॉलम कौन सा? सेकेंड है। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये 6 मिल रहा है, तो A32 जो एलिमेंट होगा 6 होगा। अगर हम बात करें A31 की, A31 में हम देख रहे हैं रो को क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 है, तो थर्ड रो हो गई, और यहाँ पे 1 है सेकेंड नंबर, तो ये कॉलम को इंडिकेट करेगा, तो थर्ड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमारा जो A31 एलिमेंट होगा 2 होगा। इसी तरह अगर हम A23 की बात करें एलिमेंट की, A23 2 दिया है, तो A23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम ये है, तो यहाँ पे भी 2 ही मिल रहा है, तो A23 = ये हमारा 2 आएगा, ये एलिमेंट है, और ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस कब आपस में इक्वल होंगे। तो दो मैट्रिसेस के लिए इक्वल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये कि जो मैट्रिक्स होगी वह सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और जो मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वह भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तब, और सेकंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर रही है तब भी मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगी। मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए दोनों फॉलो होने चाहिए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2, 3, 4, -1, एक ये मैट्रिक्स है और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 1+1, 3, 5-1, 5-7/2, ये हमारे दूसरे मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट है। अब हमें चेक करना है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, तो मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि इक्वल है यानी सबसे पहले हम ऑर्डर को देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का सेम ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 रोज हैं, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो 2/2 ऑर्डर की हुई। इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये भी 2/2 ऑर्डर की हुई। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर तो सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब देखा जाए कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही है, क्योंकि 1+1 का मतलब 2 ही होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल है। यहाँ 4 है, यहाँ 5-1 है, 5-1 का मतलब 4 ही होता है। यहाँ -1 है, तो अब यहाँ 7 में से 5 माइनस होगा, तो
माइनस टू बचेगा, माइनस टू अपॉन टू जब कटेगा तो माइनस वन। हम देख रहे हैं इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और जो ये सेम आर्डर की भी है, तो हम कह देंगे ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। ओके, अब इसका हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। सेकंड हम दो मैट्रिसेस लिए हैं, 1 5 3 4, 1 4 -1 3 4। अब हमें इसे चेक करना ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आर्डर देखेंगे, इसका आर्डर क्या है, 2 by 2 आर्डर की मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम है। ये भी 2 by 2 आर्डर की मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख रहे हैं, या 1 है या 1 है, ये तो सेम है, या 3 है 3, ये भी सेम है, या 4 है या 4 है, ये भी सेम है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 4 - 1 है, 4 - 1 का मतलब 3 होता है। तो अब ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं ना हुआ, तो इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होंगे आपस में। ये अगर यह 4 + 1 होता तो यह भी 5 हो जाता, जो इक्वल हो जाता, तब यह मैट्रिसेस इक्वल हो जाती, लेकिन यह 4 - 1 है। अब थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 3 2 5 6 0 1, 3 5 6 1। अब हमें चेक करना यह मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है 1 2 2 रोज है, बस कॉलम 3 है ना, बट यहाँ पे तो ये 2 by 3 आर्डर की मैट्रिक्स हुई, कितने की, 2 by 3, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये 2 by 2 आर्डर की मैट्रिक्स हुई। तो यहाँ पे तो आर्डर ही नहीं सेम है। अभी एलिमेंट को हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि आर्डर ही नहीं सेम है, तो आर्डर ही को ये लेके इक्वल नहीं होगी, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस इक्वल कब होती थी, जब वो सेम आर्डर की होती थी और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स एंड वाई सच डेट मैट्रिक्स 2x3 0y - 1 एंड सेकेंड मैट्रिक्स x - 4 3 0 5, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगी, जब ये सेम आर्डर की रहती थी और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते थे, सेम होते थे। तो ये दोनों तो सेम आर्डर की, ये भी 2 by 2 आर्डर की, ये भी 2 by 2 आर्डर की है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम दोनों जो गिवन है मैट्रिसेस हम नोट कर लेंगे, 2x3 0y - 1, दिस इज इक्वल टू x - 4 3 0 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह भी सेम होने चाहिए। जैसे 2x का करस्पॉन्डिंग x - 4 है, 3 का 3 करस्पॉन्डिंग ये सेम है, 0 का 0 भी करस्पॉन्डिंग है, y - 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है। तो ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट ये सेम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आगे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब 2x किसके इक्वल होने चाहिए, x - 4 के, तो हम लिख दिए 2x = x - 4। दिस इंप्लाइज x इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, 2x - x = -4। अब 2x में से x माइनस हो गया, x = -4 हमारा आएगा। तो हम देख रहे कि जो फर्स्ट एलिमेंट को हम इसके इक्वल लिए हैं, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। सिमिलरली एंड y - 1 = 5 होगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो हम लिखे एंड y - 1 = 5। अब माइनस और उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, y = 5 + 1, डेट इज y = 6। तो x = -4 और y = 6, ये हमारा आंसर आया है।